ओके तो जैसे कि आज हमने तय किया था, आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स का बिजनेस का स्कोप खत्म करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। अब जैसे कि इवोल्यूशन पढ़ने के पहले 2 मिनट में आपको इन दोनों का डिफरेंस हाईलाइट करना चाहूंगा। 4 मार्क के लिए इंडस्ट्री और कॉमर्स का डिफरेंस आपको ये यूनिट में आ सकता है, तो एक बार पढ़ लेते समझ लेते हैं। हाँ, अब इंडस्ट्री का काम क्या है, कॉमर्स का काम क्या है, दोनों का काम अपना अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट में है। इंडस्ट्री सप्लाई करता है तो कॉमर्स डिमांड बढ़ाता है। ओके, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करता है तो कॉमर्स रीचिंग करता है ना। इंडस्ट्री यूटिलिटी फुलफिल करता है तो कॉमर्स यूटिलिटी बनाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो कॉमर्स और इंडस्ट्री में डिफरेंस आता है, वो कौन कौन से डिफरेंस अपने लिखना है वो अपने को यहाँ पे देखना है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 11th 12th से आपको बेसिस बनाकर ही डिफरेंस लिखने पड़ते हैं, राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? तो यहाँ भी आपको बेसिस बनाना है। अब बेसिस यानी क्या होता है, ऐसा एक वर्ड या 2 वर्ड जो दोनों डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर पाए कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहे हैं। समझा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए एक बार देख लेते हैं इसको आपके सामने और फिर आगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे और फिर यहीं पे आज हमारा सेशन समाप्त होगा। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, आज का सेशन थोड़ा स्मॉल रहेगा। क्योंकि पीछे आज मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नया, उसमें मेरे को थोड़ा फोकस करना है सीनियर्स, तुम्हारे जूनियर्स को। चलिए देखते हैं मीनिंग। आप सबसे पहले मीनिंग आप पूरा मन से बना के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको। अब कॉमर्स में क्या क्या होगा, कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ, कॉमर्स इज रेफर्स टू रीचिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कॉमर्स इज कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन हैंड टू अनदर अप टू द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कॉमर्स इज रिलेटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ लिखना है कॉमर्स मीन्स ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। आपको जो लिखना है मन से आप मीनिंग लिखा सकते हो। डेफिनेशन बोले तो एज इट इज लगती, लेकिन मीनिंग बोले तो अपने मन से चलती है। मैंने क्या लिखा, देखो, कॉमर्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज रिलेटेड विद दोस एजेंसीज विच फैसिलिटेट टू एक्सचेंज। देखो, एक्सचेंज का काम करता है एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है ट्रेड। अब सब ट्रेड हार्ड है क्या कॉमर्स का? नहीं। तो मैं लिख दिया इट इज रिलेटेड टू दोस एजेंसीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज, एक्सचेंज ट्रेड। अब बताओ ऐसे कौन कौन सी एजेंसी जो ट्रेड को अपने को सपोर्ट करती है, बताओ? तो ऑब्वियसली एड्स टू ट्रेड, यानी यहाँ पे एजेंसीज की जो बात हो रही है वो एड्स टू ट्रेड की बात हो रही है। अब सर आपने ये बहुत डेंजर वाला मीनिंग लिखा, हमको ईजी लिख के देना है, तो अरे लिखो ना, कौन तुमको मना कर रहा, तुम इसकी जगह दूसरा कुछ लिखो, चलेगा? आ गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज बेसिकली रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप देखो इंडस्ट्री इज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मन से, पूरा मन से। ये है मीनिंग। फिर नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई। अब ये बेसिस में डिमांड कौन बनाएगा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध से सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। निर्मा किसने बोला, कॉमर्स ने कि इंडस्ट्री ने? तो जगह थी कौन, डिमांड कॉमर्स। तो इसलिए यहाँ पे कॉमर्स का काम है डिमांड बढ़ाना, लेकिन इंडस्ट्री का काम है उसको सप्लाई करना। डिमांड तो बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करोगे तो प्रोवाइड क्या करोगे, इसलिए सप्लाई कौन करता है, इंडस्ट्री। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, कॉमर्स रिप्रेजेंट डिमांड साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे दिया है उसने कैपिटल। अब तो कैपिटल ज्यादा कहाँ लगता है इंडस्ट्री में, पूछो क्यों? अरे भाई अगर ट्रेडिंग की बात करूँ तो पानीपुरी का थैला भी खोल दिया, पानीपुरी खरीद के बेच भी दिए, तो भी तुम्हारा ट्रेडिंग शुरू था ना, तो ट्रेडिंग को कोई बड़ा एटर लगता नहीं। एड्स टू ट्रेड भी आपने एक आधी 4-5 लाख की मोटरसाइकिल खरीद ली तो उससे भी एड्स टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री में लगता है पैसा ज्यादा कंपेरेटिवली कॉमर्स से। देखो वही लिखा हुआ है, इन कॉमर्स रिक्वायर्ड कैपिटल इज रिलेटिवली लेस। ये रिलेटिवली लेस किससे कंपेयर हो रहा है, इंडस्ट्री से। इन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज कंपेरेटिवली मोर। अब आप देखो फैक्ट्री खोलने में ज्यादा पैसे लगता है कि दुकान खोलने में, देख लिया, सिंपल पंडा है। आगे
एजेंसीज, कॉमर्स एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट एजेंसीज लाइक बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एड टू ट्रेड वाला. इंडस्ट्री इज रन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन से आते हैं? मैन्युफैक्चरर्स. नेक्स्ट है लोकेशन. अब बताओ कॉमर्स का लोकेशन कहाँ होता है? मेन मार्केट. और इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होता है? आउट ऑफ सिटी. अरे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ना वो. अब देखो सारी फैक्ट्री दिवेश कहाँ है बताओ? एमआईडीसी. तो एमआईडीसी सिटी के बाहर है कि नहीं? लेकिन अगर सारे ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर कहाँ हैं? मार्केट में, मेन मार्केट में, यहाँ रेसिडेंशियल एरिया के अंदर. तो दैट्स वाई वो यहाँ दिया है लोकेशन. कॉमर्स में बी लोकेटेड इन ऑफिसेज, शॉप्स, एट एनी प्लेस ऑफ ट्रेडिंग. एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज और वर्कशॉप. अब यहाँ पे लोकेशन नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए क्या लिखेंगे? लोकेशन तो एरिया होती है ना. ये हम बता रहे हैं शॉप्स, ऑफिसेस में चलती है. नहीं, अवेलेबिलिटी भी नहीं लिखेंगे. इसका बेसिस रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को. क्या करेंगे बताओ? देखो वर्क प्लेस लोकेशन सब्स्टिट्यूशन किया जाए. ओके, यानी कॉमर्स कहां कहां होता है? ऑफिसेस में. अब तू देख दिवेश ट्रेडिंग कर रहा, ओ सॉरी एड स्टूडेंट चला रहा, ट्रांसपोर्टिंग कर रहा ना. अब तू अब कहां बैठता है? ऑफिस में. मेरे को ट्रेडिंग करनी है, दुकान खोलना पड़ेगा. और यही अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री या वर्कशॉप. तो ये उनकी प्लेस है, वर्क प्लेस. ओके क्लियर. नेक्स्ट है फंक्शन. अब देखो क्या, जब भी कोई बेसिस समझ में नहीं आया ना, नेचर फंक्शन डाल के आ जाना. तो बोलू नेचर या फंक्शन चलता. जब भी तुमको दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, कोई की बेसिस क्या लिखूं उसमें, नेचर या फंक्शन या फीचर्स लिख के आना चलेगा. फीचर फंक्शन. कॉमर्स रिप्रेजेंट डिमांड ऑफ द कस्टमर फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सप्लाइड फ्रॉम इंडस्ट्री. इंडस्ट्री सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज एज पर डिमांड ऑफ कंज्यूमर. समझा आपको क्लियर? हाँ, डेफिनेशन या कोई भी ऑथर की डेफिनेशन लिखना, रेफर फ्रॉम इंट्रोडक्शन दो. है ना तुम्हारे पास डेफिनेशन? तीन तीन है. रेफर फ्रॉम इंट्रो पार्ट पेपर में ऐसे लिखे नहीं आना. ओके बच्चा लोग समझा अच्छे से? कोई डाउट इसमें? अच्छा एक पॉइंट और बनेगा बोलो, कौन सा? लोकेशन. अब बताओ कॉमर्स एक्टिविटी कहाँ शुरू होती है? रेसिडेंशियल एरिया में और यहाँ तो मेन मार्केट में. ये लोकेशन हो गया उनका, एरिया. और इंडस्ट्री कहाँ होती है? मोस्टली आउट ऑफ सिटी. पूछो क्यों? पॉल्यूशन क्रिएट करती है इसलिए. तो लोकेशन लिखेंगे, एरिया लिखिए. हाँ जो लिखना लिखो चलेगा, वैलिड है. लोकेशन लिखा तो चलता, और एरिया लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आठ पॉइंट दिया हूं, अब चार मार्क का आएगा. कम से कम टाइम पे छह तो याद आएंगे, सात तो याद आएंगे. तो सात लिख के आना कम से कम, चार मार्क पूरे चाहिए. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स क्या है अभी बच्चा लोग? हाँ बोलो कि कॉमर्स का आज का स्टेज जो है वो कहां से पैदा हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉमर्स डेवलप हुआ, स्टेज बाय स्टेज, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलो पढ़ू, मैंने सब कंसेप्ट समझाया हुआ सब चीज जी. अब मेरे को सब पढ़ना है लैंग्वेज से. कॉमर्स इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न, कंसर्न का मतलब है रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट प्रोवाइड परचेस एंड सेल ऑफ एवरी टाइप ऑफ गुड्स एंड एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ट्रेड और एक्सट्रेड Which facilitate trade, ठीक है. Commerce is a link between, किसका लिंक है? Producer का और consumer से. क्यों? Producer से माल लेता है, consumer तक के goods पहुंचाता है. Okay, फिर wholesaler, retailer सब commerce का ही part है. They have been expanding along with the development of society. और जो commerce बढ़ा हुआ है वो society के develop, जिस society development हुई है वैसे वैसे commerce भी develop हुआ है. It has passed through number of stages. टू रीच द प्रेजेंट लेवल. आज का जो लेवल है, आज जो कॉमर्स छाया हुआ है बेटा, आज जो लेवल पे कॉमर्स चल रहा है उसका जो स्टेज है वो पहले के स्टेज से कंपेयर किया जाए तो कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है.
द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। ये बात मानते हो कि नहीं? जितना कॉमर्स बढ़ेगा उतना हमारा लिविंग लाइफ स्टाइल बढ़ेगा ना। आप भी देखिए गांव और शहर में फर्क क्या है, बताओ। कॉमर्स का डिफरेंस, अब गांव में क्या होता है बेचारों को, एक दिन बजा लगती, क्या लगती? एक दिन बजा लगती और पूरे हफ्ते का महीने का उनको परचेसिंग करना पड़ता। लेकिन शहर में क्या हुआ, रात को भी नहीं छोड़ रहे, जब पिज्जा चाहिए तो रात को भी मिल जा रहा आजकल 24/7 अवेलेबल फैसिलिटीज। तो जितना कॉमर्स बढ़ेगा उतना हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप घर पे मेहमान आए, नाइट आउट करने हैं तुमको, फिर अपना दो तीन है ना रात रात के फोने घुमाने वाले कि आ जाओ पिज्जा लेके, अरे सब मिलता ना। आप देखो ना क्या नहीं मिल रहा आज आपको मेट्रो सिटी में, अकोला में आज। तो ये जितना अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स रहेगा उतना हमारा लिविंग लाइफ स्टाइल क्या इंप्रूव है। हम ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं, जींस ले रहे हैं, शर्ट्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जो हम लोग रात रात भर आधी रात को भी हमको पिज्जा मिल जा रहा, ये गांव में अवेलेबल है क्या? क्यों नहीं है अवेलेबल बताओ? क्योंकि कॉमर्स वहां पे नहीं है। अरे वहां पे बिजनेस कम है ना, वहां 8 बजे देखो सन्नाटा, यहाँ 12-1 बजे निकलते तो भी लगता नहीं कि 12-1 हुए, डिफरेंस है ना, होता कि नहीं होता? अब जिंदगी में कभी आकर देखो आपको लग 12-1 हुए तो उनके लिए लगता कि अभी उनकी सुबह हुई है लगता। तो ये फर्क है ना, फर्क इसलिए तो बोलते डेवलपमेंट ऑफ मतलब लिविंग लाइफ का जो इम्प्रूव हुई हमारी वो किसकी वजह से हुई है? डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स से। कॉमर्स अगर नहीं होता था तो हम भी आज लोग धोती कुर्ते में चलते थे। ये जो बाहर का ट्रेंड आ रहा है अपने पास, इम्पोर्टेड आ रहा है तभी तो हम ले रहे ना। अरे इम्पोर्ट हो रहा गुड्स तभी तो ले रहे ना, अपन बाहर का ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, फैशन दिख रहा है तो अपन बदल रहे उससे, अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो रहा है उससे, नहीं कोई काम का नहीं है। मुझे क्यों? इंसान अपने आप को प्रगतिशील बना रहा है ये होप से कि उसकी उसको इस दुनिया के अंदर आजीवन रहना है। लेकिन ये गलत है, भ्रम है, हमको आजीवन नहीं रहना है। लेकिन एक और भी गलत साइड है कि हमारी लिविंग लाइफ जो है वो कम हो रही है। देखो इंसान जितने रिसोर्सेज बना रहा ना कंफर्टेबल जोन के चक्कर में, उतना वो अपनी लाइफ सर्कल को बिगाड़ दे रहा। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी लिविंग लाइफ इंप्रूव हो रही है, इज इट पॉसिबल? हम लोग ज्यादा कंफर्ट होके अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। अब आप देखो इंसान की आज एवरेज लाइफ कितनी, 50 साल, पहले कहा कहते तो 100 साल हो चुकी, यानी आधी लाइफ तो हमने कर ली है। और आते आते हमारे बाद जनरेशन आएंगी वो तो 30 साल में गायब सीधा ऊपर। रिसोर्सेज जितना कम रखोगे उतना अच्छा है बोलता हूँ। तो क्यों? कंफर्टेबल अपने शरीर को मत दो, जितना ज्यादा कंफर्ट दोगे उतना वो बिगड़ जाएगा। और शरीर बिगड़ा एक बार तुम्हारा, फिर तो शरीर नहीं है तो फिर अपन भी कुछ नहीं है यहाँ पे, जानते हो। ये थोड़ा अलग बात था लेकिन यहाँ पे आने मुद्दे पे। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। देखते हैं कॉमर्स कैसे इवोल्यूट हुआ, यानी डेवलप हुआ स्टेप बाय स्टेप। पहला, नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमर्स। पहली स्टेज क्या है? क्योंकि इंसान वही बनाता था जितनी उसकी आवश्यकता होती थी, बस नो नीड्स मोर सेटिस्फेक्शन करना। भाई मेरे को अगर सपोज पालक खाना है तो मैं पालक हुआ भी खा लूंगा, खत्म, समझा? लेकिन जैसे इंसान की आवश्यकता बढ़ी, वॉन्ट्स बढ़ी, तो वहां से फिर कॉमर्स शुरू हुआ बार्टर सिस्टम से, सेकेंड स्टेज से। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, मैं अभी सब आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, समझा क्या आपको? इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी देयर वर नो सरप्लस टू बी एक्सचेंज। कोई सरप्लस गुड्स था ही नहीं, क्योंकि इंसान वही चीज मैन्युफैक्चर कर रहा जो उसकी नीड है, या जो बना रहा है वही फुलफिल कर रहा, बस उसमें ही खुश होता था, खत्म। अवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर ने कौन, हमारे पूर्वज, कंज्यूम वॉट दे प्रोड्यूस, वो जो बनाते थे वही वो कंज्यूम करते थे बस। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वॉज नॉ ओनली टू सेटिस्फाई वन सेल्फ नीड्स। अरे अपन देखे नहीं कि अपने जब अपन ये थे जानवर से इंसान बने स्टोरेज में, तो स्टोरेज में क्या होता रहा? आप देखो जंगल में रहते थे अपन, अरे तो जंगल में रहते थे हम लोग, तो हमको कुछ खाना है तो बस हम वहीं पे लेके आते खा लेते थे, शिकार का खाते थे याद करो, तो जितना खाना है अपने को उतने अपन शिकार खाते थे, खत्म। इसे अपन कोई स्टोर करते ना, हमारे पास सरप्लस गुड्स नहीं थे तब। Since people did not exchange goods or services, commerce was not in existence. समझा? उस समय कॉमर्स था ही नहीं, क्योंकि कॉमर्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स टू गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स विथ मनी। यहाँ पे कुछ था ही नहीं सरप्लस गुड्स, तो कहाँ से एक्सचेंज करेंगे?
हर कोई अपनी अपनी फैमिलिया अपने अपने रिसोर्सेस से पाल के खा रही थी बस। फिर आया सेकेंड स्टेज बार्टर सिस्टम। दिवेश ये बार्टर सिस्टम ने क्या लाया बेटा, इसने एग्जिस्टेंस बढ़ाया, यहां से एग्जिस्टेंस आया कॉमर्स का, यहां पे गुड्स एक्सचेंज हुआ विद गुड्स। आटा बाटी करते ना डब्बा स्कूल में, बार्टर सिस्टम सिंपल। समझा आपको क्लियर? एज ह्यूमन वॉन्ट्स इंक्रीजेस, इंसान ने अपनी इच्छाएं बढ़ाई, क्या बढ़ाई? बढ़ाई। आज देखो ना इच्छा कितनी अनलिमिटेड है, इच्छा होगी का कोई सीमा है? आज की तारीख में इच्छा होगी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा ने वो है सीमा नहीं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग, इंसान ने अपनी इच्छा बढ़ाई और इंसान को समझ गया कि हर इच्छा को पूरा मैं बना के नहीं कर सकता। दिस हैज गिवन बर्थ टू द एक्सचेंज, और यही रीजन से एक्सचेंज पैदा हुआ है ना, एक्सचेंज आया। एंड द बार्टर सिस्टम इज इनिशियली यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स ओनली गुड्स। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने एक्सचेंज किया गुड्स गुड्स। एग्जाम्पल तबेला था, तो उसने बोला कि एक लीटर दूध दे मैं तुझे एक किलो फल देता हूँ मेरे खेती से। तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स हुआ, दैट्स वहां से हुआ बार्टर सिस्टम, वहां से एक्सचेंज शुरू हुआ। कॉमर्स का पहला स्टेज यहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली। इन बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, पीपल स्टार्टेड एक्सचेंज ऑफ सरप्लस गुड्स थ्रू द बार्टर सिस्टम। फिर नेक्स्ट डे मनी ट्रेड आया, क्या आया? बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे, क्या थे? वो कमोडिटी की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाता। मुझे क्यों? कुदरत का एक नियम है, जो डेफिसिट है उसका मोल ज्यादा है, जो सरप्लस है उसका मोल कम है। ये कुदरत का नियम है याद रखना। तो वो नियम लागू नहीं हो रहा था, क्यों? एक किलो, आज एक किलो फल अगर 20-30 रुपए मिल रहे हैं अपने को, चलिए सब्जी आ, लेकिन मेरे को मिल्क जो है 70 रुपए है, तो इसका मतलब क्या है कि मिल्क का वैल्यू उस सब्जियों से कई गुना ऊपर है। ये डिफरेंस बैलेंस मालूम पड़ा, वो कहां से मालूम पड़ा? ये थर्ड स्टेज से जाना है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। द बार्टर सिस्टम वॉज नॉट सुटेबल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, पीपल स्टार्टेड फेसिंग वेरियस सेवरल डिफिकल्टीज। अब कौन सी डिफिकल्टी आपको क्लियर? जो सरप्लस गुड्स थे और जो डेफिसिट गुड्स थे उसको इक्वल रखे जा रहे थे, जबकि गलत है। पूछो क्यों? डेफिसिट गुड्स का मोल ज्यादा है और सरप्लस गुड्स का मोल कम है। समझा आपको क्लियर? हैंस मनी कम्स इनटू पिक्चर। इनिशियली प्रीशियस मेटल स्टोन एक्सेट्रा, देखो पहले पत्थर के स्टोनेज मैन में, स्टोनेज के रा में पत्थर के होते थे मनी, और राजाओं के जमाने में अशर्फिया होती थी, अशर्फिया मतलब आपको मुगल्स जब थी ना यहाँ पे, तो अशर्फियों के नाम से जला जाता था सब कुछ, तो अशर्फिया होती थी पहले। तो ये भी मेटल का काम करते थे, करेंसी का काम करते थे मनी का। वेयर द यूज, आपने कभी देखा है पुरानी पिक्चरों में बाजार के दिन पे राजा आता था, उनको पैसे देता था, फिर खरीदता था उससे चीजें, तो वो आपने देखा होगा शायद सीनरी बहुत सारी। वेयर द यूज एज मनी, द एवोल्यूशन ऑफ मनी रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर इकोनॉमी। हमारी यहां से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बैठने लगी। मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मनी क्या बन गया? आज भी हुई है ना, अरे आप मेरी सर्विस लेने आए हो मनी के एक्सचेंज में, आप कोई गुड्स लेने जाओगे मनी के एक्सचेंज में, बराबर देवेश? अगर अपन सर्विस देंगे तो किसके एक्सचेंज होंगे? मनी के। तो मनी क्या हो गया? मनी एक मीडियम बन गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। फिर लोकल लेवल पे खेलने लगे लोग, फिर अपना मार्केट एक्सपांड करने के लिए क्या किया? नेशनलाइज किया, यानी अपनी ट्रेडिंग और एड्स टू ट्रेड जो है वो लोकल लेवल पे ना करते, बाइंग और सेलिंग पूरे नेशन में, अपना माल नेशन ने पहुंचाया पूरा, यानी इंडिया लेवल तक। फिर आई नेशनल इकोनॉमी, आई यानी लोगों को दिया गया, लोगों ने देखा कि मेरा ट्रेड बढ़ते आ रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते आए कहाँ तक के? फ्रॉम लोकल टू नेशनल, यानी पूरे इंडिया में माल सप्लाई करने लगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हेल्प टू डेवलप कॉमर्स एंड ट्रेड, पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स नॉट ओनली फॉर लोकल मार्केट बट ऑल्सो फॉर द नेशनल मार्केट। इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड डेवलप अप टू नेशनल लेवल। और तब तक के फिर चौथी स्टेज क्या आई कि लोगों ने ट्रेडिंग सिस्टम, बाइंग और सेलिंग सब ना तो लोकल लेवल पे बेचना शुरू किया, वो लोगों की पूर्ति करने के लिए नेशनल लेवल तक गए और अपना कॉमर्स का एक्सपांशन किया। और आज की जो स्टेज है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन है। क्या है?
आज चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी, क्या है, तुमने सिर्फ नियत बनाना, तुम अपना बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो, सब नियत चाहिए, क्या चाहिए, नियत और कॉन्ट्रीब्यूशन, बस ये दो चीज तुमने ला लिया ना, तुम्हारा बिजनेस तुम कहीं रोक सकते नहीं हो। देखो मैं बोलता हूँ मेरा प्रोफेशन का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन बिजनेस का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कोई लिमिटेशन नहीं। आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपांड कर सकते हो, जितनी तुम्हारी इच्छा, जितनी तुम्हारी शिद्दत, जितने तुम्हारे एफर्ट्स, इतना पावर है बिजनेस में। हम लोग क्या करते हैं प्रोफेशन में, 100 बच्चे लेते हैं, साल भर चलाएंगे वही, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप मार्क आज वर्ल्ड इकोनॉमी होने की वजह से आप बिजनेस को कितना भी एक्सपांड करते हैं। देखो मैं तो बोलता जिसको बिजनेस दुकानें बंद थी ना वो फालतू लोग हैं, वो जो क्यों, अरे यानी तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। देखो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है और थोड़ा दिमाग से खेले ना, दिमाग में चाहिए नहीं, बस कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो जो क्यों, एफर्ट्स लगाओ अपने आप उसके अंदर दिमाग मिल जाता, कोई भी फील्ड में आने के बाद अपने आप दिमाग मिल जाता। हमको दिमाग चाहिए नहीं होता है, क्योंकि बच्चा बाय इनहेरेंट क्वालिटी वो इनबिल्ट करता है, कोई बचपन से या पैदाइशी सीख के नहीं आता, सिर्फ डेडिकेशन दो बस। जिस दिन तुमने अपने काम के प्रति समर्पित किया ना, जो बाइडन भी तुम्हारे कपड़े पहनेगा तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर चाहे वो कॉमर्स हो या वो इंडस्ट्री हो, सिर्फ नियत चाहिए, क्या चाहिए, नियत। जितने भी लोग बड़े बने कि ये पहले गिरे नहीं होंगे, अरे सबका इंस्टीट्यूट आगे देख लो, सब बहुत गिरे, गिरे तभी तो उठे। हम लोग क्या करते, गिर जाते बस बंद करके बैठ जाते। अबे तुम अपना अपने एफर्ट्स के अंदर अपनी प्रोसीजर चेंज करो, अगर गिर रहे हो अपना गोल मत चेंज करो, गोल चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगी कभी, समझा क्या। तो आज जो मिडिल क्लास या लो क्लास अपन रह रहे ना, अपने हम पे नानत है, जो क्यों, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ है, इतने रिसोर्सेस है, मतलब आप जो ना कितना कितना पैसा है दुनिया के पास, और हम लोग बस नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर नहीं है क्या, कमी कहाँ है, हमारे डेडिकेशन में, बस सिंपल मिशन। जिस दिन ये नियत समझ में आई ना, तुम बिजनेस को रुका सकते ही नहीं हो। हम करते हैं 5 घंटे काम करती, अरे आज 5 घंटे काम कर लिए, पता है क्या, बाप रे, फिर कहां से होगा। उन जो लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमी खेलते आज को दुनिया में अपना बिजनेस चलाया है, कॉमर्स या इंडस्ट्री जो भी हो, उनका हिस्ट्री दिखाओ, देखो कभी उठा के 24 घंटे काम की हुई है उन्होंने, एफर्ट्स दिए हुए, डेडिकेशन दिए हुए, कहां कहां घूमे, कहां कहां उन्होंने गिरे, कितने तो भी उन्होंने संघर्ष किया होगा। तो हम अपने बिजनेस को एक्सपांड क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन यही है कि हम अपने माइंड को छोटे लेवल पे खेल बस देख रहे हैं। जिस दिन हमने अपने माइंड का विजन ब्रॉड किया ना, हमारा कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आज की प्रेजेंट स्टेज है वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी हमारा जो मार्केट है वो वर्ल्ड बन सकता है पूरा, यानी हमारे बायर नंबर ऑफ कस्टमर्स पूरे वर्ल्ड के बन सकते हैं भैया, सब नियत चाहिए, क्या चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ लोकल मार्केट्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, कनेक्टिविटी, कनेक्शंस। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, लोकल नेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन। कोई भी कंट्री का कोई भी मंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट रोक सकता नहीं है किसी की ट्रेडिंग, समझा। तुमने अगर नियत बनाई अपनी, तुम अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हो, फिर चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एसोसिएट किन हो, चाहे वो कॉमर्स किन हो, इंडस्ट्री किन हो, सब नियत चाहिए, क्या चाहिए भला। अब मुझे दो तीन महीने पहले मेरे को एक पब्लिशर की मैसेज आया हुआ ईमेल कि आप हमें ये बुक ड्राफ्टिंग करके दोगे इंग्लिश में पूरा। अब वो पब्लिशिंग का नाम भी कोई याद नहीं, सोचो मैंने पढ़ के उसको अंदर किया था, मैं जीमेल करूँगा तो उसमें दिखेगा आपको, मैं ये रिकॉर्डिंग के बाद आपको दिखाता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग टाइप करूँगा तो रिकॉर्डिंग बन जाएगा, सोचो। तो यानी इन शॉर्ट समझ में आ रहा है, कहाँ अकोला, कहाँ USA लोग रीच हो रहे ना। तो यही बात है कि सर अपने अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटी रखो, बस तुम्हारा मार्केट जो है ना वो एक सीमित नहीं रहेगा इतना लोकल लेवल पे। तुम लोकल लेवल पे खेलने आए हो क्या, नहीं, दुनिया लाइफ एक ही पर मिली है और अपने आप को प्रूफ करने का भी एक ही चांस है,
लेकिन एक और बात सुन लीजिए, कर्मा प्रिंसिपल संभाल के लार्ज स्केल में जाने के लिए किसी को हर्ट करके, किसी को नुकसान पहुंचा के या किसी को भी बद्दुआएं खा के जाओगे तो वो काम की बात नहीं। कर्मा प्रिंसिपल अच्छे रखो तो वो एनर्जी तुमको अपने आप आगे धकेलती है विक्ट्री की ओर। कर्मा, क्योंकि तुम्हारे ऑरा से वो एनर्जी सामने वाले के पास जाती है। अंदर एक ऑरा है, क्या है हमारे अंदर ऑरा, वो ऑरा से ही लोग हमारे साथ जुड़ना या डिटैच होना पसंद या ना पसंद करते हैं। तो इसलिए बढ़ो, बहुत बढ़ो, नियत अच्छी रख के, इंटेंशन अच्छी रख के, और किसी को हर्ट मत करना, बद्दुआएं मत लेना। दुआएं अगर कोई दे रहा है पैसे दुआएं देकर तो लो, बद्दुआएं लेने का मतलब नहीं है। समझा क्या? ये प्रिंसिपल सिद्धांत हमें एक पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी है, दुनिया की, यूनिवर्स की एनर्जी, वो हमें आगे पुशअप करती है, आगे धकेलती है हमको। जितने भी लोग बड़े हैं और स्टेबल हैं, आप नोटिस करो उनके अंदर एक डाउन टू अर्थ या उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी, मॉरल वैल्यूज है, दैट्स व्हाई वो बड़े हुए। और अगर जिनके अंदर नहीं है, वो बड़े है, वो टेम्पररी है, वो कब नीचे आएंगे पता नहीं। एक्चुअली ये लाइफ का एक सिद्धांत है जो अपने को फॉलो करना है। देयर वेयर ड्रास्टिक चेंज, क्या हुआ ड्रास्टिक, एकदम ट्रांसफॉर्म, ड्रास्टिक चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। यानी क्या, जैसे हम एक गांव से दूसरे गांव जा रहे ना, वैसे आज आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हो। किसी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, चलो बताओ सभी की इच्छा होगी, एक्सप्लोर किए हो कभी, कभी एक्सप्लोर किए हो, नहीं किए हो तो कहां से दुनिया की स्ट्रेटजी मानी पड़ेगी। अपने स्वॉट को एनालाइज करो, उसके लिए यू शुड एक्सप्लोर। सबसे पहले आप देखो, देखो एक बात सुना, बिजनेस मैन बनना है ना, कस्टमर बन के बिजनेस करना। जिस वक्त तुम कस्टमर बन के बिजनेस करोगे ना, तुमको मालूम पड़ेगा कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स है, मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या खामियां हैं, खामियां मेरे अंदर रुकावट कहां आ रही है, क्यों आ रही है। ये सब सोच कर ही तुम लोग जब करोगे तो डेफिनेटली समझ आएगा। आज मैं रिकॉर्डेड सेशन बना रहा हूं, तो कोई सेशन ऐसे आता है मैं बोलता हूं ये मैंने बनाया सेशन, मैं स्टूडेंट बन के दिखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कहूं यार ये मेरे को ही बोर कर रहा है, बच्चों को क्या सिखाएगा, हट रिप्लेस कर दे। तो कहने का क्या है कि एक कोई भी क्रिएटर बनो या कोई भी बिजनेसमैन बनो या कोई भी इनोवेटर बनो या कोई प्रोफेशन जाओगे, तो अपने आप को वो प्लेस में नहीं जिसको आप सर्विस दे रहे हो, उस प्लेस पे रहकर आप जब सर्विस दोगे तो अपने आप तुमको मालूम पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेड्स क्या है, और आगे के रास्ते अपॉर्चुनिटीज क्या है। उसी को बोलते स्वॉट एनालिसिस। और फिर देखो तुम वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे खेलते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोज का होगा तुम्हारा। समझा आपको क्लियर? तो ये थी हमारी प्रेजेंट स्टेज किसकी, इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स की। आज का सेशन यहीं समाप्त कर रहा हूं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।